दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सभी अगर फ्री ऑफ पे से लोन लेना चाहते हैं तो किस तरीके से इसके अंदर अप्लाई किया जाता है, वो तरीका मैं यहां पे आप सभी को बिल्कुल बताने वाला हूं कि कैसे आप सभी लोन के लिए अप्लाई करेंगे। सो गाइस, तो मुझे यहां पे देख सकते हैं कि 900 रुपये जो कि मिला है, जो कि आप सभी यहां पे देख सकते हैं कि मुझे 900 का अमाउंट फिलहाल यहां पे मिला हुआ है। तो अगर आप लोग भी इससे लेना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई करेंगे, वो तरीका मैं इस वीडियो के अंदर जो कि आप सभी को बताने वाला हूं। काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। तो दोस्तों मुझे यहां पे 900 रुपये मिला है, ऐसा नहीं है कि आप सभी को यहां पे 900 रुपये ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है या इससे कम भी मिल सकता है। आपका जिस हिसाब से सिविल स्कोर होगा उस हिसाब से आपको अमाउंट दिया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि कैसे आप सभी लोन के लिए अप्लाई करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। उस लिंक पे क्लिक करके जो कि आप सभी यहां से इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मेरा यहां पे इंस्टॉल किया हुआ है, इसका लोगो कुछ इस प्रकार से है। इसी एप्लीकेशन को आप सभी को इंस्टॉल करना है, फ्री ओ पे इनका नाम है। इस एप्लीकेशन की अगर डाउनलोडिंग की बात करें तो दोस्तों 1 मिलियन से प्लस लोगों ने अभी तक डाउनलोड कर चुके हैं। वही रेटिंग की बात करें तो 3.9 का रेटिंग है। एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा है, RBI से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। आप सभी इसके अंदर जो कि अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे अगर आप सभी अप्लाई करते हैं तो आप सभी को यहाँ पे 30 दिन के लिए जो कि 6000 रुपये तक 0% इंटरेस्ट पे आप सभी को मिल सकता है। मैं इस्तेमाल भी करता हूँ, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज यहाँ पर आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है 30 दिनों के लिए अगर आप इस अमाउंट को इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए मेरा यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है, हम अप्लाई करने का प्रोसेस आप सभी को बताते हैं। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जो है गाइज आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस आएगा। नीचे गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, इस वाले पे आप सभी क्लिक करेंगे और करने के बाद गाइज यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद नीचे सेंड OTP का ऑप्शन है, इस वाले पे आप सभी क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सभी के मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा जो यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा यहाँ पे फिल हो गया है। देख सकते हैं आप सभी को यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो उसके बाद आप सभी को यहाँ पे ईमेल से जो कि साइनअप करना होगा, तो यहाँ पे ईमेल आईडी चाहे तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं या फिर कंटिन्यू विथ गूगल लिखा हुआ है, इस वाले पर क्लिक करके आप अपना ईमेल आईडी जो कि यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहां से एक ईमेल आईडी जो कि सेलेक्ट कर लेता हूं। तो चलिए मैं यहां पे अपना ईमेल आईडी जो कि सेलेक्ट कर लिया हूं। उसके बाद आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। नीचे कंटिन्यू टू परमिशन लिखा हुआ है, इस वाले पे आप सभी क्लिक करेंगे और यहां से जो भी परमिशन मांगेगा इन सभी को आप यहाँ से अलाउ कर लेंगे। करने के बाद अब आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से पेज आएगा। सो गाइस, तो अब यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, सबसे पहला इंटर योर 10-डिजिट पैन नंबर यहां पे आप सभी को फिल करना है। तो पैन कार्ड का जो नंबर होता है वो यहां आप फिल करेंगे। फुल नेम जो पैन कार्ड के ऊपर है यहां फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो पैन कार्ड के ऊपर है वही डेट ऑफ बर्थ यहां पे आप जो कि फिल करेंगे। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस पिन कोड आपका क्या है वो यहां फिल करेंगे। जेंडर में आप सेलेक्ट कर लेंगे कि मेल है या फीमेल है। उसके बाद चेकिंग एलिजिबिलिटी नीचे है, इस वाले पे आप सभी क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे आप सभी यहाँ पर अपना एलिजिबिलिटी जो कि चेक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज कि यहाँ पे मुझे नहीं मिला है। अगर आप सभी को मिलेगा तो यहाँ पे आपको लिमिट जो कि देखने को मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा है, इस आईडी में मुझे नहीं मिला है लेकिन एक और आईडी है, चलिए मैं उसके अंदर आप सभी को दिखाता हूँ कि मुझे कितना मिला हुआ है। सो गाइज, तो यहाँ अब आप सभी देखिए कि मुझे फर्स्ट आईडी में जो कि मिला हुआ है, यहाँ पर मेरा नाम आप सभी पढ़ सकते हैं। मुझे 900 रुपये का यहाँ पर लिमिट मिला हुआ है जिसको मैं ट्रांजेक्शन यहाँ से बराबर करता हूँ। आप सभी को भी कुछ इसी प्रकार से जो भी लिमिट मिलेगा वो आप सभी को स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप सभी आधार से वेरीफाई करेंगे और आपका लिमिट जो कि यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर आप सभी लेन देन कैसे करेंगे वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। सो गाइस, तो इसके अंदर जो भी आपको लिमिट मिलेगा यहाँ पर मेरा देख सकते हैं गाइस कि अभी मेरा 0 लिमिट है क्योंकि मैं यहाँ पर इस्तेमाल किया हूँ और यहाँ बगल में आप सभी देख सकते हैं कि 900 रुपये है। चलिए मैं इस वाले पर आप सभी को क्लिक करता हूँ, ट्रांजेक्शन वाले पर हम क्लिक करते हैं। सो गाइस, तो क्लिक करने के बाद यहां से आप सभी देख सकते हैं कि मेरा ट्रांजैक्शन यहां पे आप सभी चेक कर सकते हैं कि आज ही मैंने यहां से जो कि सुबह 7 बजे 900 रुपये जो कि निकाला हूं। यहां पे माइनस आप सभी देख सकते हैं कि 900 रुपये मैं निकाला हूं और यहां पे आप सभी देख सकते हैं गाइस कि 800 रुपये जो कि मैं इस्तेमाल किया था, जो कि मैं इनका रीपेमेंट कर चुका हूँ और यहाँ से आज ही 900 रुपये जो कि 7 अगस्त आज है, आज ही मैं यहाँ से 900 रुपये जो कि निकाल लिया हूँ।
तो एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा है, आप लोग इसके अंदर जो कि आसानी से ले सकते हैं, आप सभी को भी मिल जाएगा। सो गाइस, तो नीचे यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि सेटलमेंट बिल लिखा हुआ है, सेटल बिल, इस वाले पे चलिए हम क्लिक करते हैं और यहाँ से अपना बिल जो कि आप सभी को दिखा देते हैं। सो गाइस, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि सेटल बिल में मेरा 910 रुपये जो कि पेमेंट करना है। तो मैं आप सभी को बता दूँ दोस्तों कि पहले यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते थे, लेकिन अब यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि 900 रुपये जैसे ही मैं यहाँ पे इस्तेमाल किया हूँ तो 10 रुपये 62 पैसे जो कि चार्जेस लगे हैं, और वो भी चार्जर पहले ये फ्री था, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 900 रुपये में 10 रुपये 62 पैसे जो कि यहाँ पे चार्जेस लगाए गए हैं, पहले बिल्कुल फ्री था। तो आप सभी का अगर दिल चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं, एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा है। अगर आप सभी को 1000 रुपये एक महीने के लिए 10 रुपये ही लगते हैं तो भी काफ़ी अच्छा है, आप सभी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर आप सभी को जब अमाउंट मिल जाता है तो ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप सभी को दोस्तों यहाँ पे एक मर्चेंट QR कोड स्कैन करके जो कि आप सभी को ट्रांजेक्शन करना होता है, उसके लिए यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं गाइस कि स्कैन एंड पे का ऑप्शन आप सभी को दिख रहा होगा, इस वाले पे आप सभी क्लिक करेंगे। तो करने के बाद उसके बाद कोई भी मर्चेंट QR कोड जो कि आप सभी स्कैन करके इनको पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी मर्चेंट QR कोड स्कैन करेंगे और वहाँ पे इस अमाउंट को पेमेंट करने का ऑप्शन जो कि आप सभी को मिल जाएगा। आप सभी चाहेंगे कि डायरेक्ट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ले तो यहाँ से डायरेक्ट आप सभी अपने अकाउंट में अकाउंट नंबर डाल करके जो कि ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे, बल्कि यहाँ पे आप सभी मर्चेंट QR कोड स्कैन करके इस पैसे को आप अपने अकाउंट में ले सकते हैं। अगर आपके पास मर्चेंट QR कोड नहीं है तो आप किसी भी शॉप पर चले जाएंगे तो वहाँ पे आप सभी को मिल जाएगा उस QR कोड को स्कैन करके, जो कि इस अमाउंट को आप सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा है, अगर इसके अंदर आप सभी रीपेमेंट करने का सोच रहे हैं तो रीपेमेंट करने का भी तरीका काफ़ी अच्छा है कि इनको कैसे लौटाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, सेटल बिल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने पे लिखा हुआ है, इस वाले पे आप सभी क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप सभी मान लीजिए कि एक साथ पूरा अमाउंट पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है, या फिर आपके पास एक साथ पूरा अमाउंट नहीं है तो यहाँ पर आप कस्टम अमाउंट भी पे कर सकते हैं। तो कस्टम अमाउंट में मान लीजिए कि अभी मेरा यहाँ पर 910 रुपये, लेकिन मेरे पास 500 रुपये ही है, तो वो भी आप यहाँ पे इनको फिलहाल रीपेमेंट कर सकते हैं। तो कस्टम वाले पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से 500 रुपये जो कि आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद नीचे पे का ऑप्शन मिल जाएगा, इस वाले पे आप सभी क्लिक करेंगे और करने के बाद जो है दोस्तों यहाँ पे आपको कई फीचर्स मिल जाते हैं। आप चाहे तो डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, या फिर आप सभी चाहे तो यहाँ पे गूगल पे, फ़ोनपे, ये सब भी यूज करते हैं UPI, तो उनसे भी आप सभी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर UPI से करना चाहते हैं तो UPI वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से देख सकते हैं कि बहुत सारा फीचर्स मिल गया है। अमेजोन से भी कर सकते हैं, बजाज फाइनेंस से भी कर सकते हैं, गूगल पे, जो भी आपके अंदर रहेगा वो सारा कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। पेमेंट ऑप्शन इन सभी से भी आप सभी कर सकते हैं, काफ़ी आसान तरीका है इनका रीपेमेंट करने का भी। एप्लीकेशन भी काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर फीचर्स भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। अगर आप सभी को पैसे की ज़रूरत है तो आप सभी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यहाँ से आप सभी को भी यहाँ पे 110% जो कि मिल जाएगा। एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा है दोस्तों, अगर आप सभी को मिलता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।